समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले ऐसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आप जानते हैं हमारा देश एक ऐसा देश है जहां कन्याओं की और माताओं की पूजा होती है। सदियों से हम गाते आए हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये ऐसा देश है, ये ऐसी भूमि है जहाँ पे सचमुच माताओं बहनों को बहुत सम्मान दिया जाता है और ये सदियों से हमारी परंपरा रही है। यदि आप हमारे देश की नदियों के नाम देखें तो आपको सारे ही नाम बहनों के नाम पे मिलेंगे, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, कृष्णा हो या गोदावरी हो। फूलों के भी यदि आप नाम देखें तो भी आपको चंपा, चमेली, करोवी आदि आदि इत्यादि नाम मिलेंगे जो बहनों के ही नाम हैं। यदि हम मंदिरों में भी जाते हैं तो भी देवी माँ की पूजा करते हैं। यदि हमें शक्ति चाहिए हम दुर्गा माँ के पास जाते हैं। यदि हमें ज्ञान चाहिए हम सरस्वती माँ के पास जाते हैं। यदि हमें धन चाहिए हम लक्ष्मी माँ के पास जाते हैं। अर्थात कन्याओं और बहनों की बहुत ज्यादा मान्यता इस देश में रही है। और जब हम कुमारी भी कहते हैं ना तो कुमारी अर्थात कु अर्थात बुराइयां और मारी अर्थात मारने वाली। तो समाज में जो बुराइयां रही हैं उन्हें जिसने मारा है वो वास्तव में कुमारियां हैं, कन्याएं हैं। इसीलिए शायद हम इतनी ज्यादा महिमा, इतनी ज्यादा मान्यता कुमारियों को, माताओं को, बहनों को देते हैं। आपको लग रहा होगा कि नवरात्रि का समय तो है नहीं और आज ये रुपेश क्या बातें कर रहा है कन्याओं, बहनों, माताओं की। बहुत जल्दी आपको बताऊंगा, थोड़ा धीरज रखिए। आइए पहले स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी का, जो हमेशा हमें समस्याओं से समाधान की ओर लिए चलते हैं। करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे हम आदरणीय माता जी का। प्रताप जी, आज बहुत ही सुंदर अवसर है, सौभाग्य हम लोगों का। मुझे ऐसा लगता है कि आज देश के कोने कोने से कन्याएं और बहनें विशेष करके हमारे इस कार्यक्रम में आई हुई हैं। और ये साधारण कन्याएं नहीं है प्रताप जी, ये ऐसी कन्याएं हैं जो अब ब्रह्मा कुमारी बन करके सारी समाज की सेवा के लिए निकलने वाली हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम समाधान कार्यक्रम की ओर से और अपने दर्शकों की ओर से भी उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। तो आप सभी का जो भारतवर्ष के कोने कोने से आई हुई हमारी बहनें हैं उनका मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं इस समाधान कार्यक्रम में। जोरदार करतल ध्वनि से आप अपना ही स्वागत कर लें। और ये एक ऐसा मंच है जहां पे विशेष करके हम आपके प्रश्नों को लेते हैं, लेकिन आज शुरुआत में मैं ये चाहूंगा कि इससे पहले कि आप अपने प्रश्न हमसे करें, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग विशेष करके एक कार्यक्रम में यहाँ पे आए हुए थे जो टीचर्स ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद आप लोग जाके समाज की सेवा करेंगे विशेष करके। तो ये टीचर्स ट्रेनिंग क्या है, इसमें आप लोगों को क्या सिखाया गया, क्या इसका उद्देश्य रहा या इसकी शुरुआत कब से हुई, इसके बारे में आप में से कोई बताना चाहेगा? टीचर्स ट्रेनिंग की शुरुआत 1969 में हुई थी।
टीचर्स ट्रेनिंग उन खास उन बहनों के लिए होती है जो अपना जीवन परमात्मा के सत्य ज्ञान को मानवता तक पहुंचाने के लिए समर्पित करना चाहती हैं। इस ट्रेनिंग में हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि आध्यात्म द्वारा हम अपनी स्वयं की आत्म उन्नति किस प्रकार कर सकते हैं और फिर विश्व परिवर्तन की तरफ अग्रसर होते हैं। बहुत सुंदर, तो एक सुंदर लक्ष्य लेकर के आप लोग इस कार्य के लिए समर्पित होकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छा लक्ष्य है आप लोगों का कि अब अपने जीवन को परमात्मा कार्य के लिए अर्पित किया जाए। मैं विशेष, बहुत सारी आप बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैं बहुतों के अच्छे अच्छे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन जानना चाहूंगा कि क्या क्या विशेष करके सिखाया गया आप लोगों को इस ट्रेनिंग में, क्या सीख दी गई कि आप लोग अब समाज की सेवा के लिए जा रहे हैं तो आप लोग ये करें, वहां जा करके इस प्रकार की सेवाएं करें, क्या सिखाया गया, मैं आप में से किसी एक से जानना चाहूंगा। हमने इस ट्रेनिंग में बहुत सी नई नई बातें सीखी कि हम अपने जीवन को आदर्श कैसे बनाएं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर कैसे व्यक्तिगत जीवन में आने वाली, अपने परिवार में आने वाली, समाज में आने वाली समस्याओं को दूर करें, जिससे फिर से ये विश्व एक सुख शांति संपन्न फिर से विश्व बन जाए, फिर से एक स्वर्गिक दुनिया जाए। बहुत सुंदर, मतलब स्व परिवर्तन से विश्व के परिवर्तन का एक सुंदर लक्ष्य आप लोगों को दिया गया है और साथ ही इसके लिए तैयार भी आप लोगों को किया गया है। बहुत सुंदर, साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने आप लोगों को ये ट्रेनिंग दी है और हमारी तो बहुत सारी शुभकामना है कि आप लोग इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से जाकर के समाज में करें और समाज में एक परिवर्तन लाएं। अब आप में से मैं विशेष करके इसे पहले प्रश्न आप लोग लें, कुछ विशेष अनुभव आप लोगों का रहा, क्योंकि लगभग मुझे लगता है 25 से 30 दिन की आप लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पे रही है, तो किस प्रकार का परिवर्तन आप लोगों ने अनुभव किया है कि हम पहले क्या सोचा करते थे जीवन के बारे में और अब हमारा दृष्टिकोण कैसे परिवर्तित हो गया, तो क्या कुछ विशेष अनुभव रहा आप लोगों का इस 25-30 दिनों के ट्रेनिंग के दरमियान, तो मैं एक दो से अनुभव जानना चाहूंगा। मैं जब अपने परिवार में थी, अपनी फैमिली में थी, तो मेरी सोच ये थी कि मुझे सिर्फ इंजॉय करना है, अपनी लाइफ को सिर्फ इंजॉय करके ही जीना है, खेलना है, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है। जॉब करके जब मैं कॉलेज में थी तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहकर सिर्फ इंजॉय करना, और मेरी लाइफ सिर्फ फ्रेंड सर्कल तक ही थी। लेकिन जब मुझे ब्रह्मा कुमारीज का परिचय मिला और जब मैं सेंटर पर जाने लगी तो सेंटर की टीचर दीदी ने हमें कहा कि आप टीचर ट्रेनिंग में जाएं, हमारे सामने प्रस्तावना रखा गया, तो मैं जब मेरे को विचार आया कि क्यों ना देखा जाए कि ट्रेनिंग में क्या होता है, अनुभव लिया जाए, और अनुभव लेने के लिए जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारीज जीवन क्या है, हमारी वरिष्ठ बहनें, वरिष्ठ दादियाँ ब्रह्मा कुमारीज में क्या सिखाया जाता है, परमात्मा इस धरा पर आकर क्या सिखाते हैं हमें, तो वो चीज़ मुझे सीखने को मिला कि कैसे हमारी जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति। इस संस्था में देखा गया, इस संस्था में मुझे बताया गया कि कैसे महिलाओं को आगे रखा जाता, अपनी भारत माँ को कैसे जीत दिलाई जाती, अर्थात अपने भारत को वापस स्वर्णिम युग, जो गांधी जी कहते थे कि सोने की चिड़िया होनी चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, तो वो कैसे हो, वो संस्कार हमें दिए जाते। और इस लक्ष्य से मैं अब यहाँ रह रही हूँ और अपना समर्पित जीवन इसमें देना चाहती हूँ कि स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, अपने संस्कार परिवर्तन से हम संसार परिवर्तन कर सकेंगे। इसीलिए देश को कैसे वापस तनाव मुक्त किया जाए, व्यसन मुक्त किया जाए, ये चीज़ें हमें यहाँ सिखाई गई। और मेरा विशेष अनुभव ये रहा कि उस लाइफ से ये लाइफ 100% बेटर है, क्योंकि यहाँ पे हमको सात्विकता सिखाई जाती, विशेष जिम्मेदारियां दी जाती, इसीलिए हम मुझे बहुत अच्छा लगा ये लाइफ में रहना और अभी मैं इसी लाइफ में रहना चाहूंगी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा अनुभव है, इनके लिए एक बार जरूर हम चाहेंगे कि तालियां बजाएं। बहुत प्यारा सा अनुभव रहा है कि कैसे अब हम समाज के सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और समाज का कल्याण करना हमारा उद्देश्य है, ऐसा हमारी बहन ने बताया। मुझे लगता है कि सबके पास बहुत ही प्यारे प्यारे से अनुभव हैं, मैं एक एक से ना पूछ के इनसे सामूहिक रूप से ही पूछ लेता हूं कि क्या आप सब अपने इस ब्रह्मा कुमारी जीवन से खुश हैं, संतुष्ट हैं? क्या आप जाके समाज की विशेष सेवा करना चाहेंगे? मम्मी पापा की याद तो नहीं आएगी? नहीं आएंगे। बहुत सुंदर, आप लोगों के चेहरे से लग रहा है कि सचमुच आप लोग पूरे उमंग के साथ, उत्साह के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने प्रश्न रखें। आइए अब हम भ्राता जी की ओर चलते हैं। भ्राता जी, इससे पहले कि मैं उनके प्रश्न लूं, मैं चाहूंगा कि हमारी इतनी सारी बहनें जो समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए अब निकल रही हैं, उनके लिए विशेष आप क्या कहेंगे? ये बहनें सचमुच प्रशंसा की पात्र हैं जिन्होंने संसार की हर बात को एक तरफ रखकर प्रभु कार्य के लिए अपने जीवन को अर्पित किया है। बहुत बड़ा योगदान है ये इनका। देखिए, आज तक हम भगवान की ओर प्यासी नजरों से देखते थे, हे प्रभु हमें मदद करो,
अब वो समय आया है युग परिवर्तन के लिए, भगवान को इन आत्माओं की जरूरत पड़ी है, किन आत्माओं की, जो बहुत पवित्र हैं, जिनमें त्याग और बलिदान की भावना है, जो अपने देश के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा रखती हैं, तो सचमुच इन्होंने ये बीड़ा उठाया है। तो हम तो सभी, हम क्या, हमारा सारा देश इनको देखकर गौरवान्वित होगा कि हमारे देश में वो शिव शक्तियां जिनकी मंदिरों में प्रतिमाएं हैं अब साकार रूप में प्रकट हो गई हैं। जी जी जी, बहुत ही खुशी की बात है। इन्हें देख के बहुत ज्यादा प्रेरणा मिल रही है, उत्साहित हो रहे हैं हम भी ब्रता जी, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी बहुत उत्साहित हो रहे होंगे कि आज भी समाज में ऐसे युवा हैं। मुझे लगता है कि 18 से 28 साल की एज ग्रुप की हैं हमारी ये बहनें, लेकिन सचमुच लक्ष्य विचार कितने ऊंचे हैं इनके। हाँ, ये तो है ही, लेकिन मैं इनके माँ बाप को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसी देवी तुल्य कन्याओं को जन्म दिया है, जो आजकल के युवाओं की राह पे न चल के एक अलौकिक राह अख्तियार कर चुकी हैं और जो सचमुच देश को स्वर्ग बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं रहेंगी ब्रता जी इनके साथ, और ईश्वर तो इनके साथ साथ हैं ही, लेकिन संभव है कि इनके मन में भी कुछ ऐसे प्रश्न हो ब्रता जी, क्योंकि अब ये समाज की सेवा के लिए निकल रहे हैं, तो संभव है कि अंदर कुछ प्रश्न होंगे, तो हम चाहेंगे कि वो अपने प्रश्न आपके सम्मुख रखें, तो क्या हम उनके प्रश्न लें? जरूर जी। तो मैं चाहूंगा कि अब आपके मन में भी जो प्रश्न है ब्रता जी हमारे सम्मुख हैं कि आगे जाके हमें क्या करना है, या किस प्रकार से समाज की सेवा करनी है, या अपने अंदर भी कुछ विशेष परिवर्तन लाना है तो कैसे लाना है, इसके संदर्भ में जो आपके प्रश्न हो, तो एक एक करके अपने प्रश्न आप रख सकते हैं। मेरा नाम बीके पूजा है, मैं दिल्ली कालकाजी सेंटर से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन हमें कौन सी बातों को सहन कर लेना चाहिए और कौन सी बातों का हमें सामना करना चाहिए? ऐसी बातें जो हमारी प्रगति में बाधक बन रही हो, मान लो आपको लेक्चर करना है और ये एक बहुत अच्छा चांस आपको है और भविष्य में आपको लेक्चर करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, लेकिन उस मार्ग में कोई छोटी मोटी बात या कोई व्यक्ति आपको बाधा उपस्थित कर रहा है, ऐसे में उसको फेस करना चाहिए, क्योंकि आप योग्य हैं और आपको वो अवसर चाहिए। परंतु जब हम व्यवहार में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, कोई हमें कुछ कह देता है, हमें खाने की चीज़ अच्छी नहीं मिलती, हमें रहने सहने का सोने का स्थान ठीक से नहीं मिलता, हमें उचित व्यवस्था नहीं मिलती, या कोई हमारा साथी ही थोड़ा गलत व्यवहार करता रहता है, उसको आराम से सहन कर लेना चाहिए। सहन करने का लक्ष्य है कि हमारी मानसिक स्थिति बिगड़े नहीं, ताकि हमारी इनर पावर्स बहुत अधिक बढ़ जाएं। और फेस करने का मतलब है कि जो अवसर हमें मिलते हैं, जो चीज़ हमारे हाथ में आई है, उसमें हम निरंतर आगे बढ़ें, ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, उन्हें फेस करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो सहन करने की बात है, मान लो कहीं हमें अपना रास्ता थोड़ा सा टर्न भी करना है तो हमें कर लेना चाहिए, कहीं झुका कर आगे निकल जाना है, झुक कर शीश झुका कर आगे निकल जाना चाहिए, तो उसका अर्थ है हमारी मानसिक स्थिति बिगड़े नहीं, फेस करने के पीछे लक्ष्य है कि हम निरंतर आगे बढ़ते चलें। जी जी जी, ठीक है पूजा बहन जी, आपको स्पष्ट है कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सहन भी करें और सामना करते हुए परिस्थितियों का आगे बढ़ते रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रता जी। अगला प्रश्न कौन ले रहा है? मेरा नाम बीके स्वीटी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम वीआईपी से मिलते हैं और उनकी सेवा का चांस मिलता है, तो हमें 2-3 मिनट का ही टाइम देते हैं, लेकिन 2-3 मिनट टाइम में हम उनको ज्ञान को कैसे रिप्रेजेंट करें कि उनको ज्ञान भी समझ में आए और उनको ज्ञान का रंग भी चढ़े? देखिए, वैसे तो ज्ञान किसी भी व्यक्ति को ये देख कर ही देना चाहिए कि उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो क्या चाहता है जीवन में, और अगर हमें ये भी पता हो कि उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा क्या है, या उसके जीवन में भी कोई समस्याएं रही हैं या चल रही हैं क्या, उनको यदि फोकस करते हुए हम उन्हें ज्ञान देते हैं तो रिजल्ट बहुत सुंदर होता है। फिर भी ये प्रश्न जो कि कॉमन है, कहीं भी किसी से मिलने का मौका मिलता है। अब देखिए, मुझे याद आ गई बात स्वामी विवेकानंद की, शिकागो में उन्होंने भाषण किया, उनके सामने और कोई बात थी नहीं,
थोड़े से ही शब्द बोले थे, ढाई मिनट उन्होंने बोला और सभा में जय जयकार हो गई पहली लाइन के बाद ही, और एक ऐसा हो गया जैसे पूरी सभा में करंट दौड़ गया हो। सच तो ये है कि जो ज्ञान देने वाला है उसके अपने वाइब्रेशंस कितने पावरफुल हैं इस पे डिपेंड करेगा। तो आप पहले उन्हें आत्मा देखकर, फिर दृष्टि देते हुए, और उससे पहले स्वयं को किसी भी अच्छे स्वमान में स्थित करके फिर ज्ञान देंगे। और ज्ञान भी देने के लिए ये ध्यान रखेंगे कि हमारी बातें उनके प्रैक्टिकल जीवन को छूने वाली हों, जीवन को प्रभावित करने वाली हों। हम आत्मा का ज्ञान भी देते हैं, परमात्मा का भी, सृष्टि चक्र का भी, लेकिन इस तरह से देना चाहिए कि आज मनुष्य जीवन में अध्यात्म की बहुत जरूरत है। भौतिक विकास तो चारों ओर हो रहा है, परंतु इस विकास के साथ साथ मनुष्य कहीं भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। विकास दिखाई दे रहा है लेकिन मॉरलिटी, चरित्र, अध्यात्म का संपूर्ण रूप से विनाश होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम सभी ज्ञान इस तरह देते हैं कि मनुष्य इस भौतिक विकास के साथ अपने आध्यात्मिक विकास पर भी चिंतन कर सके, वो अंतर्मुखी हो जाए। अन्यथा आप देख लीजिए, चाहे ग्रस्त जीवन हो, कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद पोजीशन पर हो, विद्यार्थी जीवन हो, युवा वर्ग हो, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक अभाव फील कर रहा है कि समथिंग मोर, कुछ कमी रह गई है। वो अध्यात्म है, उसका हम ज्ञान देते हैं। तनाव मुक्त पे भी कुछ बोला जा सकता है, जीवन में खुशी रहे, सफलता मिले, इस पर भी एक एक दो दो लाइन सुनाई जाए। हम ये ध्यान रखें कि जब हमारे पास थोड़ा समय है तो हमारा ज्ञान देने का तरीका बड़ा सेंसफुल होना चाहिए। जी जी जी, इससे उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और निश्चित रूप से अब ये सब मुझे लगता है किसी प्रकार की सेवाओं के लिए जा रही हैं ब्रदर जी, तो इस बात की बहुत ज्यादा उनको आवश्यकता पड़ेगी कि आध्यात्मिक रूप से भी खुद को सशक्त बनाए। तो स्वीटी बहन, हम चाहेंगे कि जैसे विवेकानंद जी ने ढाई मिनट के समय को उपयोग किया था शिकागो में, आप भी न केवल अहमदाबाद में बल्कि जहां पे भी आप जाएं वहां अपने तीन मिनट का संपूर्ण सदुपयोग करें और वैसा ही प्रभाव छोड़ें जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने छोड़ा था। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी। अगला प्रश्न हमारी कौन सी बहन ले रही है? मेरा नाम बीके छवि है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा यह सवाल है कि जब हमारे जीवन में विघ्न या परिस्थिति आती है तो हम उससे हट बचने के लिए अपने जीवन को कैसे मोटिवेट करें? देखिए, मनुष्य किसी भी मार्ग पर जब आगे बढ़ता है तो उसे पहले तो तैयार रहना चाहिए कि थोड़ी बहुत विघ्न, बाधाएं, दीवारें आएंगी, क्योंकि जब हम संगठनों में रहते हैं तो भिन्न भिन्न तरह की बातें हमारे पास आती हैं। कहीं आपका रास्ता रोका जा सकता है, आप आगे बढ़ रही हैं, लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, कहीं शारीरिक बीमारियों के विघ्न आ सकते हैं, कहीं आपका साथी कोई ऐसा मिल सकता है जिसके बोल अच्छे ना हो, संस्कार अच्छे ना हो, आपको वो हर्ट करने लगे, आपकी खुशी को छीनने लगे, और भी कहीं प्रकृति के विघ्न भी आ जाते हैं, छोटों से बड़ों से, आपके लौकिक घर से भी विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। हमेशा मनुष्य को अपने को तैयार रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि जितना बड़ा हमें काम करना है उतने ही बड़े हमारे विचार भी होने चाहिए। पहली इम्पोर्टेंट बात है, बड़े काम करने वालों के विचार यदि बड़े नहीं हैं तो उनके मार्ग में जल्दी रुकावट प्रतीत होगी। इसलिए छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना, इसको अपनी नेचर बना लेनी चाहिए। विघ्न हमारी विवेक शक्ति को भी बढ़ाते हैं और हर विघ्न हमारे कदमों को आगे की ओर ले चलता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बस याद रखेंगे, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं तो ऐसी आत्मा हूँ जिनका नाम स्मरण करके भक्तों के विघ्न भी दूर हो जाते हैं, अपने स्वमान में आ जाएंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। तो अनेक तरह के विघ्न आपके जीवन से स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है इस त्याग और तपस्या भरे जीवन में वो व्यक्ति कभी विघ्नों के वश नहीं होता जो रोज अमृत वेले प्रभु मिलन का सुख लेता है, स्वयं में शक्तियां और वरदान भरता है, और ईश्वरीय ज्ञान जो रोज सवेरे हमें दिया जाता है जिसे हम मुरली क्लास कहते हैं, उसमें बैठना, उसको श्रवण करना, उसका बहुत आनंद लेना, जो इन दो चीजों को कभी छोड़ता नहीं, उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आते। साथ साथ अपने स्वभाव को बहुत सॉफ्ट बनाना चाहिए। संक्षेप में मैं कहूंगा, ज्ञान की शक्ति
और योग का बल, दोनों जिसके साथ हैं विघन उनका नाम सुन के ही घबरा जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजाता जी। आपको कहीं इस बात का थोड़ा सा डर तो नहीं है कि हमने एक नए जीवन की शुरुआत तो कर ली लेकिन आगे जा करके कहीं कोई बड़ी सी विघ्न या समस्या हमारे सामने ना आ जाए, ऐसा कोई भय तो नहीं जी? ना? नहीं, लेकिन उसके लिए तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी एग्जाम से पहले अपनी पूरी तैयारी हो, जैसे भ्राता जी ने कहा है, तो सचमुच हम हर प्रकार के पेपर में सफल होते हैं। आप हमेशा सफल होती रहें हर फील्ड में, ऐसी हमारी शुभकामना है। अगला प्रश्न किस प्रदेश से आ रहा है? मेरा नाम मृदुल है और मैं पटना से हूँ। मेरा एक सवाल है कि जैसे कि हम 7 दिन का कोर्स कराते हैं जब लोगों को, तो वो 7 दिन के कोर्स तो वो कर लेते हैं लेकिन वो मुरली से परमानेंट जुड़ जाए, पर ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि हमारे सेवा केंद्रों पर 7 डेज कोर्स करने वाले बहुत लोग आते हैं। एवरेज हर सेवा केंद्र पे 400 से 500 तक लोग प्रतिवर्ष कोर्स करते हैं, और यदि वो ज्ञान को आगे भी कंटिन्यू करें तो बहुत बड़ी सेवा हम 2-4 साल में ही कर सकते हैं। परंतु हमारे यहाँ बात धारणाओं की है, आत्मा को पावन बनाने की है, अपने जीवन को परिवर्तन करने की है, सब व्यसन छोड़ने की है, तो कई लोग इसका साहस नहीं कर पाते। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, सब बातें बहुत अच्छी हैं, वो संपर्क में भी रहना चाहते हैं, वो बीच बीच में आते भी हैं, लेकिन इन धारणाओं को अपनाते नहीं। इसमें चाहिए, संसार अब बदल चुका है, हमारा कोर्स देने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति जिस भावना से जो प्राप्त करने के लिए आया है वो उसे प्राप्त हो। जैसे किसी को बहुत प्यास लगी हो, वो हमसे पानी मांग रहा हो लेकिन हम उसे रसगुल्ले खिला रहे हो, तो वो संतुष्ट नहीं होता, उसे पानी चाहिए। भले रसगुल्ले बहुत कीमती हैं, बड़े टेस्टी हैं, पर उस समय उसकी प्यास है, उसे पानी से तृप्ति होगी। ऐसे ही जब आप कोर्स दें तो आप ये समझ लें कि जिसको हम कोर्स दे रहे हैं वो क्या चाहता है, उसे बात भी कर सकते हैं। किसी के घर में कोई समस्या हो सकती है, किसी के घर में पति पत्नी का झगड़ा हो सकता है, किसी को नींद की समस्या हो सकती है, कोई आजकल डिप्रेशन में चल रहे हैं, विद्यार्थियों में एकाग्रता की समस्या हो सकती है, माँ बाप और बच्चों के संबंधों में टकराव की समस्या हो सकती है, उस अनुसार अपने ज्ञान को टर्न करना चाहिए। आत्मा का ज्ञान हम दे रहे हैं तो उन्हें सिखाना होगा आत्मा के अभ्यास को इस तरह से करो, ये समस्या ठीक हो जाएगी। बिजनेस में लॉस हो रहा है, दुकान बहुत बड़ी है लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ऐसी समस्या लेकर आपके पास लोग आते हैं, उसमें परमात्मा शक्ति का कैसे प्रयोग किया जाए ये आप सिखाएंगे तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो अपने ज्ञान को ऐसा कर दें, ज्ञान देने के तरीके को, ताकि उनको आज से ही उनके जीवन में उसका लाभ अनुभव होने लगे, तब उनको महसूस होगा कि भाई यहाँ से हमें सब कुछ प्राप्त होगा। जैसे कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाए, कैसी बीमारी हो और गोली दे, और डॉक्टर की गोली देने से पेशेंट को लगे कि बस गोली खाते ही 10% ठीक हो गए, तो वो और भी गोली खाएगा, अगले दिन भी जाएगा और पेशेंट को भी बताएगा कि वहां जाओ वो डॉक्टर बहुत अच्छे। और मान लो 10 दिन गोली खाते रहे और डॉक्टर को गाली भी देते रहे, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, कैसा डॉक्टर है, तो कोई उसके पास नहीं जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने ज्ञान देने के तरीके को ऐसा सूक्ष्म बनाए ताकि लोगों को प्रैक्टिकल में लाभ होने लगे। और साथ साथ में ये कहूंगा, जो ज्ञान हम दूसरों को दे रहे हैं उसको पहले अपने जीवन में अनुभव करें, अपने जीवन में धारण करें, तो हमारे बोल से वाइब्रेशंस भी साथ चलेंगे और ये बहुत इफेक्टिवली काम करेंगे। और तीसरी चीज, जब आप कोर्स कराने जाएं, 3 बातें विशेष रूप से करें। उससे पहले 3 मिनट बाबा के रूम में बैठकर मेडिटेशन का अभ्यास करें, उसे आत्मिक दृष्टि से देखें और स्वयं को किसी स्वमान में स्थित करें, जैसे मैं इस देवी हूँ, या मैं एक महान आत्मा हूँ, या मैं पूर्वज हूँ। इन 3 अभ्यास को करने से जब आप किसी को भी ज्ञान देंगे तो उसको लगेगा कि ये ज्ञान मेरे लिए है, इससे मेरा कल्याण होगा। और अगर 500 लोग क्लास कोर्स कर रहे हैं तो 200 तो अवश्य साल में स्टूडेंट बन ही जाएंगे। तो मैं चाहूंगा ये जो हमारा नया ग्रुप है 450 बहनों का, ये ऐसी कला सीख कर जाएं कि कम से कम कोर्स देने वालों में से 50% योगी बन जाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रीता जी। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान। सारा ये जहान कहता है ये समाधान, समाधान